हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाय, क्या कर रहा है? आलू गोभी बना रहा हूँ। आलू गोभी? मुझे भूल गया। हाँ, उसे रिगार्डिंग बात करनी थी। बैठना। हाँ बता। आप इधर मत बैठ, कुर्सी लाके बैठ। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तेरी फ्रेंड कहाँ है, उसको बुला ले। क्या किसी ने मुझे बुलाया? एंट्री अच्छी है तुम्हारी, एक्सिट भी अच्छी होगी। देखो, ये मेरे लिए आसान नहीं है, बट आई थिंक इट्स टाइम। डोंट टेल मी कि मेरा प्राइस फिर से बढ़ गया है और तुम मुझे सलाद में यूज नहीं कर सकते। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या बात है? दिस टाइम इट्स सीरियस। आई लव यू। नहीं यार, आई नो, I want breakup. What? Yeah guys, मुझे अब तुम दोनों, मतलब I mean तुम दोनों मेरी जिंदगी सब जा सकते हो। बोला था ना मैंने? सही कह रहा है। जिस दिन से इसने वो भगवत धोती वाले बाबा जी को सुनना शुरू किया है ना, मुझे तो शक उसी दिन हो गया था। क्या नाम था उसका? अरे भाई, इस कौन वाले यार, सब एक जैसे दिखते हैं। हाँ, हमें उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि हमारा समय आने वाला है। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, दरअसल बात यह है कि मेरा गोल जो है वो मटेरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, इसलिए मुझे तुम दोनों को छोड़ना पड़ेगा बस। लेकिन तुम हमारे बिना कैसे जी पाओगे? भूल गए, तुम्हारा सैलेड मेरे बिना अधूरा है। और याद करो वो समय जब तुम अपनी नानी से कह के मुझे अपनी सलाद में एक्स्ट्रा डलवाते थे। बिसाइड्स, मैं खाने को और टेस्टी बनाता हूँ। और मैं गार्लिक, जिसे तुम कच्चा ही खा जाते थे। चाहे अचार हो या सैलेड या सब्जी या फिर कोई साइड डिश, मेरे बिना तुम्हारा खाना अधूरा हुआ करता था। याद है तुम्हारी फेवरेट मेरी ब्रेड हुआ करती थी। बिसाइड्स, मैं खाने में एक अलग फ्लेवर लाती हूँ। ओ फ्लेवर, फ्लेवर की तो तुम रहने ही दो, साग की ऐसी तैसी तुम मार देती हो। आलू गोभी में पता नहीं चलता हम खा क्या रहे हैं। कद्दू में आती हो तो ऐसा लगता है कि लहसुन की सब्जी खा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम अपनी फेवरेट सब्जी शाही पनीर में इंट्रोड्यूस किया। भाई साहब, आज तक ना शाही पनीर से नफरत हो रखी है मुझे। कितना ईगो है ना तुम्हारे अंदर, अपने टेस्ट के आगे किसी भी टेस्ट को आने ही नहीं देती। सी गार्लिक, आई नो आई यूज टू लव गार्लिक ब्रेड, बट अब ऐसा नहीं है। अब मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन अब मेरा प्रॉब्लम क्या है? बिसाइड्स, आई एम गुड फॉर योर हेल्थ आल्सो। मुझे तो दवाइयों में डालते हैं। मेरी वजह से तुम्हारा इम्यून सिस्टम सेट रहता है, वरना लॉकडाउन में ना सबसे पहले तुम ही टपकते। आई बड़ी इम्यून सिस्टम वाली, तुम्हें पता है तुम्हें खाने से ना रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। है? क्या बोला? हाँ, यही देर से समझ में आता है। और तुमको पता है तुम्हें खाने से इतना गुस्सा आता है ना, अब मुझे समझ में आया कि मैं बचपन से इतना चिड़चिड़ा क्यों। अरे इसे किसने बताया है ये रिस्पांस टाइम के बारे में? अरे वही हरे कृष्णा हरे रामा वाले, और चिड़चिड़ा तो ये बचपन से है। सारा ब्लेम हम पर थोप रहा है। हाँ बचपन से, इसलिए क्योंकि बचपन से तुम दोनों मेरे साथ हो। देखो, हर किसी में अच्छा और बुरा होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एक अच्छे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उसके बुरे को इग्नोर किया जाता है और अच्छे को देखा जाता है, तभी तो एक रिश्ता आगे बढ़ता है। ओ भाई, ये भोली भाली बातों में मत फंसाओ मुझे, ठीक है ना? मैंने सब सुन लिया है लेक्चर्स में। तुम्हें खाने से ना अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार गार्लिक तुझे खाने से ना खून पतला हो जाता है। सर्जरी के बाद पेशेंट के आसपास भी तुझे भटकने नहीं दिया जाता। तो तेरी कौन सी सर्जरी होनी है? अभी तो नहीं हुई, लेकिन तेरे साथ ज्यादा रहा ना तो मेरी भी सर्जरी हो जाएगी। अरे भैया, एजिंग फास्ट हो जाती है तुझे खाने से, और मैं इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता।
मुझे अभी एसोसिएशन चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बनानी है। इसका ना ब्रेन वॉश हो गया है। पता नहीं कहां कहां से बेसर पैर के फैक्ट्स लेकर आ रहा है। इंडिया में तो सब अंधविश्वास फॉलो करते ही है। मैं बता रही हूँ, ये चोटीधारी वाले ना सबको बर्बाद करके छोड़ेंगे। अच्छा बेटा, तुम इंडिया की बात करते हो, लो और फैक्ट सुनो। ग्रीक कल्चर के अनुसार अनियन और गार्लिक माइंड और बॉडी के पेन को बढ़ाते हैं और हमें रेस्टलेस करते हैं। दिस इज फैक्ट नंबर वन। फैक्ट नंबर टू सुनो, ब्रिटिश कल्चर में विलियम शेक्सपियर, जानते हो ना तुम क्या जानते हो, विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले में लिखा है कि अगर तुम्हें अच्छे शब्द बोलने हैं तो अनियन गार्लिक मत खाओ। इफ यू ईट स्मेली यू साउंड स्मेली। दिस इज फैक्ट नंबर टू। फैक्ट नंबर थ्री सुनो, टर्किश कल्चर में लिखा है जब शैतान को स्वर्ग से बाहर फेंका गया तो जहां उसने सीधा पैर रखा वहां से अनियन निकला, तुम निकले, और जहां पर उसने उल्टा पैर रखा वहां से तुम निकली, समझे। फैक्ट नंबर फोर, अनियन खाने से पता क्या होता है, ब्लोटिंग, स्टमक पेन, गैस, बहुत सारी बीमारियां होती है। सुनना है, सुनो और सुनो, हाइपरलिपिडेमिया, हाई ब्लड ग्लूकोज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड व्हाट नॉट। और सुनो धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म में ये मना है खाना, क्यों, क्योंकि ये ग्रीड और लस्ट बढ़ाते हैं। कितने फैक्ट्स हैं तुम्हारे लिए मैं? छी, लस्ट, हम दोनों, हाँ तुम दोनों, अरे तुम दोनों के रगों में ना राक्षस का खून दौड़ रहा है, राक्षस का। राक्षस कुछ भी बोले जा रहा है, पागल हो गया ये, इसका ब्रेन वॉश हो चुका है, मैं बता रही, गया, गया गया भाई तू गया। ओ ब्रेन वॉश, श्रीमद् भागवतम के अनुसार समुद्र मंथन के समय राहु के हड्डी और मांस से निकले हो तुम दोनों, वो तो थोड़ा सा अमृत चख लिया था राहु ने, इसलिए थोड़ी मोड़ी इंसानियत बाकी है तुम्हारे अंदर, वरना पापी हो तुम दोनों, पापी। अरे तू रुक जा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब भूल चुका है। वो बचपन के दिन जब ये मुझे काट के अपने पास रखता था रात को, जिससे अगले दिन ये स्कूल से छुट्टी ले सके, जिसे बुखार हो जाए, ये सब भूल चुका है। ओए बंद कर अपना ड्रामा, जब भी तुझे काटा है ना खून के आंसू रुलाए हैं तूने, और गार्लिक तू, तुझे जब भी छीला है ना बैंड बच गई है मेरी, इतनी मैंने पढ़ाई में मेहनत नहीं की जितनी तुझे छीलने में की है मैंने। बस निकल गई, यहीं तक था प्रेम, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हुई, अब तू हमसे ब्रेकअप कर लेगा? हाँ कर लूंगा। सी गाइस, यू बोथ आर टेम्परेरी इन माई लाइफ, और मेरा परमानेंट रिलेशन कृष्ण के साथ है, और मैं वही खाऊंगा जो कृष्ण को पसंद है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे वही तो ऑफर करेंगे ना जो उसे पसंद है। एंड आई एम सॉरी टू से, बट कृष्ण के मेन्यू कार्ड से आप दोनों बाहर हैं, और जो कृष्ण के रेसिपी बुक में नहीं वो मेरे किचन में नहीं, आई एम सॉरी। तो 5 मिनट का समय है तुम लोगों के पास, बुरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहां से। I hope you will remember us. और जब भी हमारी याद आए हमें याद कर लेना। आई होप ऐसी नौबत कभी ना आए, और वैसे भी जब तक मैं भक्तों के संग में हूँ और प्रभु जी के लेक्चर सुन रहा हूँ, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। Got lost. चल यार, हमारी यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। You mean दाल में हम नहीं गलने वाले? यार लहसुन क्या होगा यार हमारा, हमें अब कौन अपनाएगा? टेंशन मत ले, बेसहारों का भी सहारा होता है, कोई ना तो कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो हमें अपनाएगा। हरे कृष्णा, तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अपने घरों में अनियन और गार्लिक को घुसने ना दें, ऑलवेज रिमेम्बर। और हाँ, ये भक्ति ट्यूटर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीवन में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, वो चाहिए हमें भक्तों की संग, और वो कैसे मिलेगी, जब हमें भक्तों का एसोसिएशन मिलेगा। इसीलिए एसोसिएशन चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और भक्तों का संग पाएं। प्रभु जी आप काम आ गए, बैठो प्रभु जी बैठो। प्रभु जी बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और एक बार क्या हुआ था कि प्रभु जी की वीडियोस के नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे आज भी याद है प्रभु जी ने डेडिकेटेडली
मतलब एक एक कमेंट का, एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया था, और इतने क्वेश्चंस थे उन सभी का आंसर प्रभु जी ने दिया था। तो इतना डेडिकेशन प्रभु जी ने दिखाया था, और उसी से इंस्पिरेशन होके भी हमने अपना ये Q&A स्टेशन स्टार्ट किया है, और हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाने से पहले, आई मीन आफ्टर गोइंग, आप लोग एसोसिएशन चैनल को सब्सक्राइब करें, यू विल फाइंड हिज ग्रेस वेणुगोपाल प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप हमारे मीनिंगफुल स्पिरिचुअल मैसेजेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इस चेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।